बापू से कि हमारी बाप भर्ती है अस्पताल में, महिला अस्पताल में, और हम बड़े परेशान हैं, हमारे 5 बच्चा तो खत्म हो गए, अब जो डिलीवरी है इसमें कुछ समस्या है पैसों की। तो हमारे बेटा को फोन किया बहू ने कि 5,000 रुपए दे दें, तो उन्हें कि हाँ सही है, अब परेशान है, दे दो, दे देगा कल उल में, वो पैसे निकाल के दिए। और वही अच्छा तो भैया तुम परेशान हो तो तुम आराम से बैठो, हम चाय बनाते हैं, तुम चाय बनी रखी अब भी। तो बोले हमारा मन नहीं लग रहा है, ऊपर चले जाए, नहीं चले जाओ टाइम पास कर लो, जानकारी ना होती तो ना करते, पास का ही है ये। ऊपर मेरे बड़े वाले को ले गया, वो तो जानता था जो नाई भैया भैया कहते थे कि भैया मेरे बाल काटो, दोनों बच्चे भैया कहते थे, कहते थे हाँ हाँ, उससे नाई से भैया जी बोलते थे, कोई दीदी दीदी बोलते थे, मन गलत ना बोलते थे हमारे कि भैया जी, उन्हें बुला के ले गया बड़े वाले को। अब पता नहीं छोटे वाले से तम्बाकू मंगाई बीच वाले से, छोटे वाले से पानी मंगाया वो 6 साल वाले से, अब वही उनको काट दिया। हमें पता नहीं बीच वाला आया भाग के, अम्मा अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ, जो बहू गई भाग के, इन्हें बुलाया ऐसे करके, उसकी इतनी बुद्धि खराब। जे लौटे आई ऊपर से, अब जब इनने देखा छुरी उरी, अरे मम्मी भागो भागो, मैं फिर बाहर भागी, जब देखा तब तक यहाँ आ गया जे बड़ी छुरी, मैंने खुद देखी हाथ से। जब आप लोगों ने भी न्यूज सुना ही होगा कि यूपी के बदायूं में 2 मासूम की गला रेत के हत्या कर दी थी, और जो हत्या करने वाले थे, जो आरोपी थे, वो जावेद और शाजिद, और वो उनके घर पर मदद मांगने के लिए गए थे, उनके पड़ोस के ही रहने वाले परिवार थे, कि हमारे मेरी मतलब वाइफ का डिलीवरी है, डॉक्टर ने 2-3 घंटे का टाइम दिया है, और आप मुझे 5,000 पैसे की ज़रूरत है, और वो फैमिली उनको दे भी दी, पीयूष और आयुष के जो माता पिता थे 5,000 रुपये उनको दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि छत पे मतलब 2 घंटे का टाइम है मुझे व्यतीत करना है, तो छत पे चले गए अपना वक्त बिताने के लिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी इंसान मतलब किसी से मदद लेने जाता है और सामने वाला कोई भी मतलब मुसीबत में है और एक सामान्य आदमी है, तो वो चाहता है कि मेरे से जितना पॉसिबल है हम इसकी मदद कर दें। तो वो भी परिवार वैसे ही कर रहा था जावेद और साजिद के साथ, कि भाई इसकी वाइफ का डिलीवरी है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, पैसे की भी कमी है, इसकी हम मदद करते हैं। उनका वो नियत था, लेकिन वो परिवार उस नियत को भाप नहीं पाए कि ये जो जावेद और साजिद जो है उनके बेटे की गला रेत के हत्या कर देंगे, जो हमारे घर मदद मांगने आया है, तो उसका इंटेंशन वो मदद मांगना नहीं है, वो था कि हम उनके 3 बच्चे, एक बच्चा माझिल जो था सबसे बीच वाला जो था वो बच गया, बड़ा और छोटा की गले रेत के, वो भी बाल काटने वाला जो चाकू होता है उससे, दया नहीं आई उसको 6 साल के बच्चे को गले रेत के हत्या करते हुए, हाथ नहीं उसके कांपे, किस तरीके से उसने हत्या कर दी, कैसे मतलब उनके जावेद और साजिद के परिवार का क्या माहौल रहा होगा, उनके माँ बाप ने उनको क्या परवरिश दी है, कितना नफरत उनके दिमाग में भरा होगा कि 2 मासूम बच्चे 13 साल और एक 6 साल, 6 साल का बच्चा तो कुछ समझ भी नहीं पाया, उसको तो दुनियादारी का कुछ पता भी नहीं होगा, भाई मैं क्यों मारा जा रहा हूँ तो पता भी नहीं होगा। और अभी मीडिया पे मैंने न्यूज जो सुना, तो कुछ जो तथाकथित लोग जो है वो मतलब परिवार, जिस परिवार के साथ ये घटना हुई उसके साथ नहीं है, वो उनके साथ है, एक शादी का इनकाउंटर हो गया जो अपराधी था, तो वो उनके साथ है कि भाई यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, तो क्या अपराधी का पूजा करोगे लेके उसको पकड़ के।
मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं अभी जो मैं न्यूज़ सुन के आई हूँ। अभी जस्ट मैंने आयुष और पीयूष के दादी का वीडियो मैंने देखा कि भाई मेरे बच्चे का क्या कसूर था, वो यही सवाल पूछ रहे, क्या गलती था मेरे बच्चे का, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। ये भी बोली कि छोटा वाला जो था 6 साल का जो था, वो बोला कि 10 मिनट में दादी गाना लगाओ मैं डांस करूँगा, और 10 मिनट के बाद ये घटना हो गई। और वो भी घटना एक दुर्घटना एक अलग बात होती है, ये सोची समझी नियत लेके उस घर में वो प्रवेश किया मदद मांगने के बहाने, और उसका टारगेट था 3 बच्चे की हत्या करने, 2 बच्चे की कलाई रेत कर हत्या कर दी, और 3रा जो था वो सौभाग्यशाली जो माजिल था, वो सौभाग्यशाली था, वो किसी तरह भगवान उसको बचा लिया। आखिर ये साजिद और जावेद जैसे लोगों के दिमाग में ये सोच आती कहाँ से है कि फलाने की हम गला रेट के हत्या कर देंगे, और ऊपर से हमारे कुछ भाई अपराधी के ही में है कि कानून व्यवस्था नहीं है। कोई हमारा घर में आके हमारे बच्चे को मार रहा है, मार रहा नहीं मार दिया, वो भी निर्मम इस तरीके से बर्बरता पूर्ण हत्या किया। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक सोच प्लान वेल प्लान किया गया कि हम फलाने के घर जाएंगे और हम इसकी इस तरीके से कला रहे थे। हाथ नहीं कांपे, फिर तो ये सोच के ही मेरा गला बैठ रहा है कि क्या गुजरा होगा उस माँ पे जब वो अपने संतान को उस अवस्था में अपने ही छत पे देखी होगी, वो क्या गुजरा होगा उस संतान पे, उस दादी पे, उस परिवार पे क्या गुजरा होगा जो अपने घर के चिराग को अपने ही घर के छत पर उस अवस्था में देखी होगी वो, उससे उनकी माँ और दादी का जो स्थिति है वो नहीं देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ, 2-3 महीने पहले ही मेरी माँ गुजर गई, मेरी आंखों के सामने मैं गुजरी 2-3 महीनों से सो नहीं पाई, उनकी नेचुरल डेथ थी। ये तो मासूम बच्चे की सोची समझी हत्या है, उस माँ ने अपने बच्चे को इस रूप में देखा। कला करते दादी ने जिस बच्चे को पाल पोस कर 13 साल किया, 6 साल किया, आते हैं गले पर चाकू चलाते समय अपने बच्चे की उसको याद, अपने भाई बाप अपने परिजन की याद नहीं आई कि मैं दूसरे के साथ कर रहा हूँ, कल मेरा परिजन के साथ भी हो सकता है इस तरीके से। उसकी भी बहन होगी, कोई रिश्तेदार होगा, उसका जो बच्चे का बीवी का डिलीवरी का बहाना लिया था, उसके भी बच्चे होंगे। अभी तक तो मीडिया में ये खबर नहीं आई है, उसके मतलब पिता और चाचा का चर्चा आया है अभी। और पता है मीडिया जो सोशल वो न्यूज़ वाले जो भी हैं, छत का जो दृश्य है वो ब्लैक एंड वाइट मोड में दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जो ओरिजिनल वीडियो आप देख नहीं पाइएगा, इस तरीके से पूरा का पूरा खून पड़ा हुआ है वहाँ पे, पूरा का पूरा ब्लड जो पड़ा हुआ है कि ब्लैक एंड वाइट करके दिखाया जा रहा है वो वीडियो। मेरे मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है ये खबर सुन के कि मासूम बच्चे का क्या गुनाह था। और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसमें एक दोषी तो गया, इनकाउंटर हो गया उनका, और जितने भी जो है के दोषी हैं, परिवार के मेंबर हैं,
जो भी इन्वॉल्व है इस घटना में, इस सोच में, और जिस तरह अगर लोग कहते हैं कि भटके हुए युवा है, तो इस युवा को भटकाने वाला भी जो लोग है उसको भी सजा होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, आपके घर के, आपके घर में भी बच्चे होंगे। सोचिए दूसरे के घर में जाके किसी के बच्चे को कल से परे। तो योगी सरकार और वहां की पुलिस से जो भी निवेदन है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मैं जब से ये घटना सुनी हूँ, बच्चों के बारे में सुनी हूँ कि और न्यूज पे यही न्यूज सारे दिखा रहे हैं, स्वाभाविक है, पर ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत। बच्चे का क्या कसूर, बच्चे का क्या कसूर।